ये मेरा सर्वाइवल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 9 था। पिछले वीडियो में विलेजर्स के विलेज के लिए मैं वॉल लगाया था, और मैं ये पूरे वीडियो में विलेजर्स के लिए एक छोटा सा विलेज बनाऊंगा। यहाँ पर मैं फिशरमैन के लिए घर बनाऊंगा, जिसके लिए यहाँ पर एक पॉन्ड बना रहा हूँ, और यहाँ पर पहले से ही पानी था जो मैं फिल कर दिया था, इसीलिए फिर से मुझे यहाँ पर पानी डालना पड़ रहा है। बहुत मुश्किलों के साथ इसको मैं अनलिमिटेड सोर्स किया। पॉन्ड बनाने के बाद मैं फिशरमैन का घर का काम स्टार्ट करता हूँ। मैं एक बेसिक सा डिज़ाइन सोचा है, वही मैं बनाऊंगा। आगे आगे देखो, ये ब्रिज बना के उसके बाद मैं घर बनाने का काम को स्टार्ट किया। जो कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था। अंदर के तरफ में 3 बैरल रख दिया था, और रूफ के सामने कुछ स्टोन का स्टेयर लगा दिया था। अब टेराकोटा बनाने के लिए क्ले कलेक्ट करके लेकर आया था, जो मैं स्मेल्ट करने के लिए लगा देता हूँ। जिनको पता नहीं उनके लिए बता देता हूँ कि क्ले बॉल से बनता है ब्रिक, और अगर ऐसे क्ले का ब्लॉक ही डाल दे तो उससे बनेगा टेराकोटा। मैंने सोचा था कि कुछ घर कंक्रीट का भी बनाऊंगा, इसीलिए डाई कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और ग्रेवल और सैंड में पहले ही कलेक्ट कर लिया था। अब मैं फ्लावर को बुन मिल करके उनसे डाई लूँगा, और हाँ, ऐसे एक ब्लॉक डीप होल करके फ्लावर लगाने से और उसमें बोन मिल करने से ज़्यादा फूल मिलते हैं। उसके बाद मैं कुछ लाइट ब्लू और वाइट कंक्रीट बना लेता हूँ। उसके बाद टेराकोटा को कलेक्ट करके उन्हें येलो टेराकोटा में कन्वर्ट करने के बाद फिर से स्मेल्ट करने के लिए लगा देता हूँ। पहले मैं सोचा था कि ऐसे टावर अप करके उसके बाद मैं नीचे से तोड़ूंगा, पर ये आइडिया फेल जाता है, कि वो आगे देख के पता लग जाएगा। क्योंकि जब भी मैं नीचे का ब्लॉक को तोड़ रहा था, वैसे ही ऊपर का ब्लॉक भी अपने आप टूट के कलेक्ट हो जा रहा था, कैसे तो पता नहीं, पर हो रहा था। उसके बाद मैं टेराकोटा को निकाल के सैंड को स्मेल्ट करने के लिए लगाता हूँ, जिससे ग्लास बना सकूँ। और मेरे पास जितने भी क्वार्ट्स थे उन सबको ले आया, उससे कुछ क्वार्ट्स का ब्रिक पिलर बहुत कुछ बना लिया। मैं अब एक मेसन का घर बना रहा था, इसीलिए मैं अब ज़्यादा नहीं बोल रहा, घर को बनते हुए देख लो। घर को मैं छोटा सा ही बनाया हूँ, पर जो भी है उतना भी बुरा नहीं है और उतना भी अच्छा भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक राउंड जगह बनाया है, जहाँ पर मैं लाइब्रेरी बनाऊँगा, और हाँ, इसके लिए मैं पहले तो डार्क ओक का ट्री को चॉप करने के लिए चला आया। उसके बाद बिल्डिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया। फिर से वही बात कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, देख लो पूरा वीडियो।
लाइब्रेरी के साथ साथ मैं ये वाला हाउस भी बना दिया जो मैं ओक और डार्क ओक का कॉम्बिनेशन में बनाया है, और ये वाला मेरा पोटैटो फार्म का हाफ है जो ये लोग यूज़ कर सकते हैं, और इसका सेकंड फ्लोर भी बनाया हूँ। बीच उसका कमी हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पर बीच के सैपलिंग लगा दिया था और साथ में फ्लावर भी, जिससे मुझे एक बीहाइव मिल गया। और साथ में मैं और एक सिंपल वाला हाउस भी बना लिया था। अब मैं बीच में एक फाउंटेन बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। चाहो तो ट्यूटोरियल पूरा देख भी सकते हो इस वीडियो में, वरना तुम स्किप भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर। जब तक मैं ये फाउंटेन बना रहा हूँ तब तक तुम लोग लाइक से सब्सक्राइब कर लो ना प्लीज। मेरा विलेज तो अभी कंप्लीट हो गया था, सिर्फ विलेजर आना बाकी था। जो लाते ही विलेज तो पूरा विलेज ही लगेगा। अब डब्बे में जाके सारे विलेजर्स का बेड लेके आता हूँ विलेज में लगाने के लिए। और उसके बाद सारे वर्क स्टेशन को लेकर इनका दीवार को तोड़ देता हूँ विलेज की तरफ से, जिससे ये लोग अपने आप ही विलेज में आ जाए। उसके बाद हर घर में कुछ कुछ वर्क स्टेशन लगा देता हूँ और लाइब्रेरी में 4 लेक्टर्न भी लगा देता हूँ। विलेज का काम कंप्लीट करते हुए मैं मेरा आज का ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।